और जो हमेशा हम शेयर करते हैं आपके साथ, समय समय पे आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं। सबसे पहला काम तो इस एकेडमी का मिशन एंड विजन, जो इस एकेडमी की हमने स्थापना करी लास्ट वर्ष, पिछले साल गुजरे वर्ष में स्थापना करी, विद द मिशन एंड विजन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वैदिक साइंसेज एट एवरी होम इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, क्या ताकि हम सब लोग भारतवर्ष एक महान देश बने, भारतवर्ष एक जगत गुरु बने दोबारा से, और सब लोगों के जीवन में इस वैदिक साइंसेस का विकास हो, उनके जीवन में, उनके परिवार के, आने वाले युग के, आने वाली पीढ़ी के जीवन में, सबके जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करे। इसके मिशन के साथ, विजन के साथ हमने इस एकेडमी की स्थापना करी लास्ट वर्ष में, गुजरे वर्ष में, और आप सबका सहयोग लगातार मिल रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सहयोग के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और बहुत बहुत फैकल्टी को धन्यवाद इन सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहने के लिए। आगे हमने इसको मद्देनजर रखते हुए कि हमारा ये मिशन है कि हम सब लोगों के साथ कनेक्ट करें, इसको बढ़ाएं, उसके साथ हमारा एक सबसे बड़ा दूसरा पहलू ये आया कि मार्केट के अंदर कॉमर्शलाइजेशन को देखते हुए हर व्यक्ति को सीखना की गरज है, सीखना चाहता है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट मैटर करती है हर चीज में, क्योंकि आज के जीवन में पोस्ट कोविड सिनेरियो में तो वैसे ही थोड़ा टफ हो गई है लाइफ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी कोशिश करी है कि इस सारे कोर्सेज के कार्यक्रम की जो कॉस्टिंग होती है दैट टू बी वेरी नॉमिनल, रॉक बॉटम बेस से टच करें, और आपके लिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के साथ हम इसको कंडक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप इसको अपने जीवन में भरपूर इसका इस्तेमाल कर सके, भरपूर इसका फायदा उठा सके। पूरी प्रयास के साथ हमने कोशिश करी है। इन मीन वेल आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट टू प्लीज स्विच ऑन वीडियोज, किसी के भी वीडियोज बहुत कम वीडियोज खुले हुए हैं, जितने वीडियोज खुले होंगे उतना हमें भी मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आप लोग अपने अपने वीडियोज ऑन करें कृपया करके, धन्यवाद। तीसरी हमारी कोशिश ये रही है लगातार कि हम नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने क्लास कंडक्ट करी और कल उसके बाद क्या होगा हमने हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वी बिलीव इन द कंटिन्यूटी सिस्टम, वी बिलीव इन अ फैमिली डेवलपमेंट, वी बिलीव इन अ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सिस्टम। उसके माध्यम से हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया और सारी फैकल्टीज के साहस और कंट्रीब्यूशन से ये काम हुआ कि सारी क्लासेस की रिपीट फ्री होती है हमारे सारे पार्टिसिपेंट को, विच मीन्स कि हमारे पार्टिसिपेंट जिस भी कोर्स में एनरोल करते हैं उसका जो भी रिपीट कोर्स होता है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हम ये मानते हैं कि हमें हम सारे लोग, हम ह्यूमन किसी भी एक क्लास के अंदर या किसी भी एक लेक्चर को 100% ग्रैप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। ह्यूमन की अपनी रिस्ट्रिक्शंस और रिजर्वेशंस होती है, उसमें कुछ परसेंटेज ग्रैप हो पाता है, पीपल टू पीपल वेरी करता है, कुछ परसेंटेज ग्रैप नहीं हो पाता, और रिपीट करने से, लाइव रिपीट करने से उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और उसकी क्षमता को बढ़ जाने से हमारा प्रयास सफल होता है। हमारा प्रयास यही है कि आप सबके जीवन के अंदर हम कुछ योगदान दे सकें ताकि इस संस्कृति का विकास हो सके, हम सबका विकास हो सके, और इसका इसलिए भी जरूरी है ताकि हम सब आने वाली पीढ़ियों का भी विकास कर सके, क्योंकि वो पीढ़ी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन इस समय में जो कल्चर डिजाइन हुआ पिछले पास्ट कुछ सालों में, कुछ सौ सालों में, हमारा जो संस्कृति है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता जा रहा है उसका, तो ये एक प्रयास है उसके लिए। तीसरी बात, अगली बात इसके साथ ये है, जितने भी आप कोशिश करते हैं, हमने क्योंकि देर आर लॉट ऑफ अवर ग्रेट ट्रू पार्टिसिपेंट या ऑनेस्ट पार्टिसिपेंट या कंटिन्यू मेंटेन करने के साथ हमारे सहयोग करने के लिए पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ हैं, उनको उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप के अंदर एकेडमी ने, सारी फैकल्टीज ने मिलकर ये डिजाइन किया है, दो पार्टिसिपेंट एंडोर्स द कोर्सेज विद अस विद द वैल्यू ऑफ इक्वलेंट टू 10,000 रुपीज फ्रॉम 1st of January टू 31st of March। अकेडमी विल एड 15%, विच मीन्स 15% ऑन टॉप ऑफ विच दे कैन मेक यूज ऑफ इट फॉर एनी एनरोलमेंट इन एनी कोर्स। सिर्फ दो कोर्स को छोड़ के 1500 रुपये वो किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वो दो कोर्स है, एक तो अटूनमेंट रिलेटेड कोर्स जो रामा फिर और रिकी है, दूसरा संपूर्ण कोर्स। इन दो कोर्सेज को छोड़ के वो किसी भी कोर्स के अंदर अपनी वो उस जो वैल्यू है उसको यूटिलाइज वो कर सकते हैं। इसका आई अंडरस्टैंड डेट कि वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू शायद नहीं हो कई लोगों के लिए, लेकिन ये हमारा एक प्रयास है हमारे सारे पार्टिसिपेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन का, अकेडमी की तरफ से, फैकल्टी तरफ से देने का, तो इस प्रयास का यूटिलाइज कर सकते हैं। सब लोगों के लिए ये ओपन है, और इसके विषय में कोई जानकारी चाहिए तो मेरे से या पूनम जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रयास हमेशा रहता है
जितनी भी रिकॉर्डिंग जितनी भी हम सेशंस करते हैं इसमें दो चीज खास का ध्यान रखते हैं हम। एक तो जो जितने सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डिंग बेस्ड होने चाहिए, जूम पे लाइव होने चाहिए ताकि जूम पे इंटरेक्शन हो सके, हम लोग समझ सकते हैं, एक दूसरे का फेस समझ सकते हैं, उसकी रीडिंग कर सकते हैं, उसको समझ सक पाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे जूम बेस्ड होने चाहिए। ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो या ऑडियो के माध्यम से ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो चलता है वो गूगल उसके लिए भरा पड़ा है, उसके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे आप जो सर्च मारो आपके पास सारा डाटा बाहर आ जाएगा। गूगल इज फुल ऑफ पीडीएफ नोट्स एंड व्हाट्सएप नोट्स एंड दी ऑडियो विजुअल पे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। अगर उससे ही हमारा काम चलता तो कभी स्कूल जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक नहीं तो, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो सारी बाजार में बिकती है, मास्टर ट्यूशन देने के लिए मिल ही आते हैं, तो कभी स्कूल जाने की बच्चों को शायद जरूरत ही ना पड़े। द आइडिया इज टू हैव इंटरेक्शन, तो उसके लिए सारे कोर्सेज हमारे जूम बेस्ड होते हैं, लाइव कोर्स होते हैं, कोई भी हमारा कोर्स हमारा ऐसा नहीं है कि हम ऑडियो वीडियो आपको शेयर कर दें या व्हाट्सएप शेयर कर दें, आप उससे अपने आप समझ लें, उसका कोई सेंस नहीं बनती। दूसरी बात, उसको कंटिन्यू करते हुए सबकी रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है, सारी रिकॉर्डिंग आपके साथ हमेशा के लिए अवेलेबल रहती है, जब तक सिस्टम हम डिजाइन है तब तक वो रिकॉर्डिंग आपके साथ अवेलेबल है। इसके साथ ही हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी सब्जेक्ट आपको डिलीवर हो वो सब्जेक्ट डिलीवर डायरेक्टली मास्टर्स के थ्रू हो, जिसकी उन सब्जेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, जिसने उस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया हो, ऐसा व्यक्ति जो सब्जेक्ट के ऊपर लगातार परिश्रम कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने सब्जेक्ट के ऊपर परिश्रम नहीं किया, सिर्फ गूगल ज्ञान लिया और आपको डिलीवर कर दिया, विच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि गूगल का ज्ञान एक्सपीरियंस को कनेक्ट नहीं करेगा, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा उसकी रियलिटी नहीं आएगी, उसकी ट्रुथ नहीं आएगी। जब एक्सपीरियंस आता है साथ में तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और वो एक्सपीरियंस ही एक्चुअली हमें ज्ञान देता है, बाकी तो सारी चीजें किताबों से भी मिलती हैं, बट एक्सपीरियंस किताबों से नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज है जो हमारे को लाइव फैकल्टी के साथ मिलती है, और वो फैकल्टी वही होना चाहिए जिसने सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है। इसीलिए हमारे आपने एकेडमी में देखा होगा हर सब्जेक्ट का या कुछ सब्जेक्ट के हर जगह पे अलग अलग फैकल्टीज हैं, इट इज नॉट वन फैकल्टी इज डूइंग द ऑल सब्जेक्ट विच इज मास्टर ऑफ नथिंग बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वी डोंट बिलीव इन टू दैट, वी डोंट डू दैट। अगर एस्ट्रोलॉजी वास्तु मैं करता हूँ तो फिर वो मेरा सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ कोई और सब्जेक्ट बाकी हमारे फैकल्टीज हैं जिनके रेकी है क्रिस्टल्स है या लामा फिरा या एनएलपी या लाल किताब दैट वे whatever subject you name it switchword, so every subject have their own faculties because उनकी उस subject के ऊपर उनकी grip है, उनकी महारता हासिल है, उन्होंने practice करी है उस पर, उन्होंने हमें समय व्यतीत किया है, उन्होंने expertise gain करी है, उस expertise को connect करना और उस expertise को share करना very important है। तो ये हमारा हमेशा प्रयास आता है। ये कुछ चीजें थी जो I would like to share with you before starting the today's webinar. एक हाथ रेज हुआ है जगजीत सिंह जी का, जगजीत सिंह जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। जी जगजीत सिंह जी, इनका हैंड डाउन हो गया अभी। ओके वी कंटिन्यू इट नाउ। आज के सेमिनार को, आज का सेमिनार सिग्नेचर एंड विजिटिंग कार्ड के ऊपर है, बहुत वैल्यूएबल सेमिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है। हमने पूरी कोशिश करी है सेमिनार को आपके लिए जितना बेहतर से बेहतर डिजाइन कर सके, और आज की फैकल्टी भी वो फैकल्टी है जिन्होंने इस विधि के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया, इसको यूटिलाइज किया अपने जीवन में और लोगों के लिए, और उसके बहुत सफलता प्राप्त करी है। वो फैकल्टियां जिन्होंने इस सिस्टम के ऊपर मतलब अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते गए हैं, और आपके समक्ष लेके आने के लिए उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि जो डिलीवरी जो उनके पास है वो पूरी डिलीवरी आपको हो जाए। ये आज की फैकल्टी हमारी अपने हीलिंग सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने प्राप्त करी है, बहुत महारता रखती हैं हीलिंग सब्जेक्ट में, और जो लोग हीलिंग इनसे करते हैं या हीलिंग सब्जेक्ट इनसे पढ़ते हैं उन लोगों को पता है हाउ शी कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट। वो जब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उस सब्जेक्ट पे इंसान को समझ में नहीं आया था, जब तक उस सब्जेक्ट को इंसान प्रैक्टिस करना शुरू कर देता वो पीछे बढ़ जाती है, एक तरीके से वो पीछा नहीं छोड़ती। दैट इज वॉट द डेडिकेशन शी इज ऑलवेज कैरीज, इतनी डेडिकेशन इतनी भावनाओं के साथ ये सब्जेक्ट को डिलीवरी करने की कोशिश करती हैं। आज का सेमिनार, आज की फैकल्टी जो हमारी है, और इस सब्जेक्ट को सिग्नेचर और विजिटिंग कार्ड के सब्जेक्ट को लेके जो फैकल्टी आज के हमारी है, उन्होंने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया कि इस सब्जेक्ट में आपको भरपूर ज्ञान मिले, भरपूर नॉलेज मिले, और विद दी वेरी वेरी नॉर्मल जो एकेडमी का फिलोसफी है उसको बैच करते हुए विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, क्योंकि मार्केट में वी हैव सीन दिस सब्जेक्ट इज been delivered at a very highly fancy cost which we do not want and which we want to avoid it. तो उसी के साथ आज की फैकल्टी
जो हमारे समक्ष है, उन्होंने अपना समय स्पेयर किया हमारे लिए, सबके लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू अंशु के अग्रवाल जी। अंशु के अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई गिव यू ऑल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू अंशु के अग्रवाल जी। थैंक यू आचार्य जी। आप मेरा दूसरा अगर पिक पिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये मेरा ऑडियो के लिए है जी। ओके, थैंक यू। बोथ आर पिंग। अच्छा, बोथ आर पिंग। ओके, फाइन, ठीक है, थैंक यू जी। तो थैंक यू आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए हमें, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज बहुत है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम कैसे दूसरों तक पहुंचाएं, और आपने हमें ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, इट इज रियली वेरी वेरी नाइस, एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मेरे ख्याल से ये सभी लोग इस चीज को मानेंगे मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एकेडमी का हमेशा प्रयास रहता है, जो लोग किसी विद्या पे बहुत गहन अपना अपना कंट्रोल रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका गहन ज्ञान है उनका, और किसी कारणवश कनेक्ट नहीं कर पा रहे जगत से, और एकेडमी उनके लिए कोई मदद कर सकती है, तो उनका हमेशा हमारा एक प्रयास रहता है कि हम उनके लिए कुछ हेल्प कर सकें और उनको भी जगत से कनेक्ट करवा सकें, ताकि उनके ज्ञान का जगत भर बेनिफिट ले सके, लोग बेनिफिट ले सकें और उनको भी बेनिफिट हो सके। तो ये भी हमारा एक प्रयास हमेशा रहता है एकेडमी की, ये भी एक फिलॉसफी का एक पार्ट है। धन्यवाद अंशु जी आपको ये पॉइंट रिमेम्बराइज करवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, ब्यूटीफुल फेसेस। आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए, खाना वाना खा के, आई होप सो यू ऑल आर फ्री टू हैव सम एनर्जी इन द ग्रुप, राइट? सो वी विल हैव सम एनर्जी फर्स्ट, कम ऑन। अभी किसी को सोना नहीं है इस वक्त, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर सिग्नेचर्स, इट इज ऑल रिलेटेड टू यू। आप खुद हो तो अपने आप को कैसे आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नेचर, राइट? आप लोग सब मानोगे ये बात तो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो सर, मुझे परमिशन है अपना स्क्रीन शेयर करने की? जी जी, प्लीज, यू कैन। थैंक यू। चलिए, सबके पास, सबने अपने सिग्नेचर्स तो बनाए हैं, किसी को याद है फर्स्ट टाइम सिग्नेचर कब बनाए थे? एनीवन, कौन सी एज में बनाए थे वो याद है? लगभग 15 साल की एज में, 15-16 साल की एज में। 15, और उससे पहले कभी पापा ने या मम्मी ने कुछ बैंक में कुछ माइनर अकाउंट खोला था तब बने थे? नहीं, तब नहीं, तब नहीं बने, बट बहुत लोगों के बने होंगे। ध्यान नहीं मैडम, थोड़े वाले तो याद नहीं, क्योंकि वो हमने नहीं बनाए थे ना, वो हमारे पेरेंट्स ने हमें बना के दिए थे। हम क्लास 10th में, सभी सब अपने प्रैक्टिस करते हैं ना। याद है किसी को अपने फर्स्ट सिग्नेचर्स? यस यस, याद है, क्लास 10th, याद है। अच्छा, एक ट्रेड में आपको पूछूंगी, इसमें से कौन कौन ऐसे करता था, अपना जो फर्स्ट है, जो नेम होता है वो लिखकर, और जो सरनेम है उसको पूरा राउंड करके फिर सरनेम लिखता था? मैंने किया है, मैक्सिमम ऐसे ही करते, मैं खुद वैसी थी। मेरा नाम अंशु गोयल था शादी से पहले, तो ए लिखकर और जी उसके ऊपर पूरा घुमा के फिर गोयल लिखते थे। ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से सबके ट्रेड्स ऐसे ही थे, है ना? चलिए, अच्छा, सिग्नेचर क्यों जरूरी है, क्या सोचा है किसी ने? व्हाई सिग्नेचर्स आर इम्पोर्टेंट? आइडेंटिफाई। ओके, एंड इंडिविजुअलिटी मैम। ओके, एंड योर आइडेंटिटी मैम। वेरी नाइस, बिकॉज सिग्नेचर इज साइन ऑफ नेचर। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू, आई हैव हर्ड ऑफ इट, थैंक यू। यस, आप प्लीज मुझे अपना नाम बताएंगे जिसने बताया है, बिकॉज आई एम लाइक अनिल। अनिल जी, थैंक यू फॉर दिस, ये बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है। और आपके सामने मैं ये लाइन आपकी नोट कर रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलेगी कि सिग्नेचर इज
Sign of nature. Sign of nature. Thank you. Thank you for this line. Chaliye. Identify the right people. Identify the right people. थोड़ा बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, because I can't hear it. Okay, चलिए. सबने अपने वर्जन बताए, बहुत अच्छे वर्जन थे. मैम ये हमारी अपनी पहचान है. हमारी अपनी पहचान है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है. ये बात तो सबको पता है ना. अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था, जब हमको साइन करने नहीं आते थे तब क्या होता था? थंब या हैंड का इम्प्रेशन. हैंड इम्प्रेशंस. और उससे पहले क्या होता था? मुद्रा थी. मुद्रा. हर मुद्राएं. मुद्राएं थी. मोहर. मोहर है ना. महल में होती थी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती थी तो उसके ऊपर वहां की एक पर्टिकुलर सील होती थी, वो लगा देते थे. तो दे डोंट हैव टू डू एनी सिग्नेचर्स और समथिंग, राइट? तो हमारा जो फॉर्मेट होता था सिग्नेचर्स का, ये बहुत एंशियंट टाइम से है, राइट? अभी किस तरह से चेंज हुआ है, अगर आप यहाँ पर ये स्पिक को देखेंगे तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के ऊपर है, फिर सील इस तरह से होती थी, अलग अलग राज्यों की या महल कंट्रीज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स. उसके बाद आया अंगूठा. सील्स के बाद आया था अंगूठा, या सील्स के ऊपर या नीचे अंगूठे आए थे? दिस सील के बाद. है ना, ये आज भी चलता है, पता है ना, ये आज भी चलता है. बिल्कुल चलता है जी. जहाँ पे प्रेजेंट के लिए थंब इंप्रेशन चालू करने के लिए. देखिए आप लोग सब कितना जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ तक तो सबको पता है, और इट इज अ कॉमन थिंग, लाइक ठीक है, सबने किया है, सब करा है, और इसपे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा. अब कहाँ हमें सोचना पड़ता है, वो है ये लास्ट पार्ट जो आप दिख रहे हैं आपको लिखता हुआ. ये जब हम इसको अल्फाबेट्स में डालते हैं सिग्नेचर्स को, तब हमें इसे सोचना पड़ता है ना, ठीक है? तो अब अगर ये जो सिग्नेचर्स होते हैं, इसको हम किस तरह से करें, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं आजकल की सिग्नेचर चेंज करना है. क्यों करना है? सिग्नेचर तो आपका नाम है, ये तो आपकी आइडेंटिटी है, ये तो आपने खुद बनाया है, बट आपको सिग्नेचर क्यों चेंज करना है? क्या आप जानते हो क्यों? प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्थ. और बिकॉज जो सिग्नेचर पर्सनालिटी ग्रोथ. पर्सनालिटी. ओके. Signature represents our personality and as well our mind. Signature gives a brain pattern, madam. Brain pattern. Brain pattern. ये उंगली होती है ना, फोर फिंगर जिसको बोलते हैं हम, और ये थंब. ये जब इस तरह से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम कभी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी यही दो उंगलियां काम आती हैं, थंब एंड मुद्रा. चिन मुद्रा. तो क्यों होता है ये? क्योंकि इसका सीधा रिलेशन हमारे माइंड से होता है. सबकॉन्शियस से. सबकॉन्शियस. अब जब सबकॉन्शियस में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपके साइन भी उसी तरह से चलेंगे. जो आपके सराउंडिंग्स में काम हो रहा है उसी तरह से आपके साइन चलते हैं. चलिए मैं आपको ना कुछ सैंपल दिखाती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये. यहाँ से थोड़ा बड़ा करूँ या इतना चलेगा आप लोगों को? इज इट क्लियर? हम भी ज़ूम कर सकते हैं मैडम. इट इज ओके. ओके ओके फाइन. चलिए कोई नहीं, हम ऐसे देखते हैं. कुछ फेमस पर्सनालिटीज के पहले थोड़ा सा सिग्नेचर समझते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम इसके थोड़े से ट्रेट समझेंगे. अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं आप. यहाँ क्या बाहर फॉरेन कंट्रीज एवरीवन नोस. अमिताभ बच्चन के साइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे. जो फर्स्ट ए है वो कितना बड़ा है, और जो बी है बच्चन का वो उससे भी बड़ा है, राइट? अब अगर मैं आपको एक नॉर्मल उसमें बोलूं कि आप इस सिग्नेचर से क्या समझते हो? अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए अल्फाबेटिकल फर्स्ट बी लिखा है, और नीचे जो सपोर्ट लाइन दी है वो अपवर्ड है,
और उसके उसके नीचे जो दो डॉट दिए वो उसके लिए सपोर्ट बता रहे। चलिए ब्रिज जैसा ओके चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप टेक्निकल वर्ड्स और वो सब चीजें भी यूज कर रहे हैं इसमें ब्रिज। मैम आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर लाइक हिज साइज इज गोइंग अपवर्ड इट मींस ही इज अ वेरी एंबिशियस पर्सन। ओके एंड इफ हिज फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर इज अ बिग वन that means he is aware of himself like he thinks that he is there he is something and he is very proud of his surname his okay. Family background okay. and the line gives him the support which okay. I think ma'am I would like to share one thing Archana ji aur jo down mein do dots likhe hai na line ke niche confident and very ambitious and confident. चलिए ठीक है। अभी इसके अलावा और किसी को कुछ और important trait पता है इस signature का? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले continuing. It's pointing upwards. Right. है ना ये तो yes. common है ये हम लोग क्या ना बहुत सारी ये सब जो चीजें हैं ये हम बहुत सुन भी रहे हैं काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए नीचे एक लाइन होना चाहिए डॉट कहाँ होना चाहिए ये होना चाहिए लेकिन आपने क्या उनके डॉट्स पे एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करी है? प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट करेंगे आप लोग 2 मिनट। जो फर्स्ट डॉट है वो डॉट नहीं है इट इज अ स्मॉल लाइन और उसके बाद थोड़ी दूर पर एक डॉट है क्या आपको पता है ये क्या सिग्निफाई करता है? मैं बताती हूँ आपको जो छोटी सी लाइन है दैट इज द कंसिस्टेंसी ही वॉज हैविंग टिल ही गॉट ब्रोक। अमिताभ बच्चन ने बैंगलोर में बहुत बड़ा एक इवेंट किया था ABCL के नाम से बात तो सबको पता है। See, मैंने इनका सिग्नेचर इसलिए लिया है क्योंकि इनकी जो बायोग्राफी वो है आप सबको पता है ठीक है एवरीवन नोज हिम बहुत अच्छे से। जब इन्होंने ABCL में काम किए मतलब अपनी कंपनी फॉर्म करी उसके बाद क्या हुआ ही वाज कंसिस्टेंट टिल देन उसके बाद ही गॉट ब्रोक उसके कुछ टाइम बाद ही अगेन स्टूड अप। यही हुआ जो दोनों डॉट के लाइन और डॉट के बीच में जो गैप है ना दैट इज द टाइम ही टुक फॉर हिमसेल्फ टू स्टैंड अगेन। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ भाई सब चुप हो गए एकदम से। इट इज अ आहा मूवमेंट मैम वो आपने म्यूट के लिए कहा था ना इसलिए म्यूट कर दिया था सभी को। अच्छा ओके जी तो इट्स अ आहा मूवमेंट फॉर एवरीवन समथिंग डिफरेंट राइट। अब अगर आप देखोगे तो वो अल्टीमेटली अगर नाम और लाइन के बीच में जो गैप है वो बड़ा है और सरनेम पे जाके वो टच हो जाता है ऑलमोस्ट टच थोड़ा दूर है बट टच हो जाता है एक तरह से। तो जब वो अपने बारे में सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल ठीक है जब इंडिविजुअली सोचते हैं तो वो फैमिली से दूर रहते हैं लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ही इज विथ हिज फैमिली राइट। तो चलिए अब हम देखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी इनको कौन कौन जानता है। ये मैंने जानबूझ के ये एक नाम लिया है यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक ऑथर बहुत लोग जानते हैं बहुत वो करते हैं। अगर आप इनका ध्यान से देखोगे तो आप कियोसाकी कहीं पढ़ नहीं पाओगे रॉबर्ट कहीं पढ़ नहीं पाओगे नाम क्लियर नहीं दिख रहा है कोई पता नहीं कर सकता कि क्या नाम लिखा है अगेन स्ट्रेट है इट इज नॉट गोइंग अप। आप में से कौन कौन उनको सिर्फ रिच डैड पुअर डैड के अलावा जानता है? He's having a straight continuity, nothing else. मैम बताते हैं इनके पास फरारी थी इन्होंने फरारी इनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुई थी तो इन्होंने अपनी फरारी बेच के चले गए थे हिमाचल कहीं पर्वत चले गए थे और 2-3 साल वहां रहे थे तो इन्होंने अपनी हेल्थ वगैरह पे और मेडिटेशन वगैरह पे करके
बट अगर आप ये चीज बहुत ज्यादा डीप में उनके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा. बट एज ए फेमस, अभी मैं अमिताभ बच्चन बोलूंगी तो सबको उनका फेस याद आ जाएगा, वो क्या करते हैं पता है. सचिन तेंदुलकर बोलूंगी तो इमिजिएटली आपको पता होगा. रॉबर्ट कियोसाकी को कौन कौन इमिजिएटली रिकॉग्नाइज कर सकता है और वो किस फील्ड को बिलोंग करते हैं वो पता है? नहीं पता, बिकॉज उनका अपवर्ड ग्रोथ कम है, इट इज अ स्ट्रेट ग्रोथ, वो चले जा रहा है एक ही लाइन पर. फाइनेंशियल एडवाइजर? नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइटर. रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने पढ़ी है, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें भी बहुत सारा कवर करना है आज. ठीक है, चलिए अब हम सचिन तेंदुलकर जी को देखते हैं. ये तो बहुत वर्ल्ड फेमस है, राइट? आप इनके सिग्नेचर में क्या खास बात समझ रहे हैं? एस कहाँ है? ये जो सिग्नेचर है मैंने स्पेशली इसलिए आप लोग को दिखाया है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन. इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है. इस सिग्नेचर को देखकर मैं क्या क्या ट्रेड्स आपको बता सकती हूँ इसके, कि लीडरशिप क्वालिटी है, ये बहुत ज्यादा अपने अंदर बिलीव करते हैं. ओके, ह्यूज कंट्रोल. सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस अलग है, तेंदुलकर बाद में पड़ेगा इंसान, सबसे पहले वो जो कर्व है उसके ऊपर निगाह जाएगी. सेल्फ इमेज इज वेरी बिग. कंसिस्टेंसी है एंड ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट. अगर आप उनके इस तरह से देखोगे जो नीचे अंडरलाइन करा है तो वो इस तरह से किया है कि आई हैव टोल्ड यू दिस एंड नाउ दिस इज फाइनल. लग रहा है उनका वो अंडरलाइन देखकर ऐसी ही फीलिंग आ रही है, ऐसी ही फीलिंग आ रही है. थम्स अप दिखा दीजिए, नो इश्यूज, है ना. अब हम आते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साइड पर. किसी को समझ आ रहा है क्या लिखा है? हेलो, नहीं कंफ्यूजन है इसमें, बहुत कंफ्यूज. इनको डील करना बहुत मुश्किल. हाँ, अब इनका क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ ये ट्रेड कैसे होते हैं. इनका ना दिमाग इतना तेज चलता है कि उनके हाथ और दिमाग में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. तो जब तक उनका थॉट आया वो वर्ड फ्रेम करेगा और वो उनका बनेगा, उतनी देर में तो वो थॉट चला भी जाएगा, दूसरा आ जाएगा, राइट? ऐसे ही लग रहा है ना देख के. बिल्कुल, ऐसे बहुत फास्ट सिग्नेचर की हुआ, बहुत फास्ट सिग्नेचर है ना. और एक चीज और है कि भाई आप मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझे समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, बहुत है ना. और मेरा टाइम आपके टाइम से इम्पोर्टेंट है. आप दिमाग खोलो, आप अपना ध्यान लगाओ इसके ऊपर. ये क्या मतलब, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जब तक काम करके आ जाता हूँ वापस. ऐसे ही लग रहा है ना कुछ. और जो आप सोचोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मैंने तो बात बोल दी और मैं चला, राइट? तो इस टाइप के ट्रेड्स हैं. अब आप लोग अपने सिग्नेचर्स करिए, एक पेपर पेन लीजिए, अपने सिग्नेचर्स करिए और इनमें से आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो बताइए. ये मैंने कुछ सिंपल सिर्फ चार ही पैटर्न्स लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए. आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के सिग्नेचर्स आप खुद डिकोड करना सीखेंगे कोर्स में, और फिर क्या सही सिग्नेचर्स है वो आपको बताए जाएंगे कि इस तरह से सिग्नेचर्स किए जाते. कर रहे हैं आप लोग? जस्ट रैंडम कीजिएगा, सोचिएगा नहीं बिल्कुल भी. और ये सिग्नेचर्स को संभाल के रखिएगा, कोर्स में हम इसी सिग्नेचर को डिकोड करेंगे. ठीक है, चलिए. आई हैव फ्यू थिंग्स इन चैट. सिग्नेचर भेजना है आपको, कैसे क्या हो? नहीं नहीं नहीं, सिग्नेचर नहीं भेजना है बिल्कुल. okay. नहीं, आप रखें इसको, जब आप कोर्स करेंगे ना तब वहां डिकोड करेंगे हम इसको, क्योंकि अभी सब थोड़े बहुत तो एक्साइटेड हो ना कि सिग्नेचर है कैसे करना है,
हमारे जो सिग्नेचर है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ चार कैटेगरीज बताई है, इसमें कम से कम भी तो 15-20 कैटेगरीज है। राइट क्या आपको पता है कोई भी अगर आपका सिग्नेचर देखता है ना उसको आपको एनालाइज करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-10 सेकंड जाते हैं अगर उसे अच्छी तरीके से पता है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सिग्नेचर्स जब हम बिजनेस के लिए करते हैं ना अपने पैसों के लिए, पैसे मतलब एक बैंक में सिग्नेचर्स होते हैं, फिर आप बिजनेस में अपने सिग्नेचर्स करते हो, अपनी फर्म में करते हो या किसी जॉब में हो तब आप सिग्नेचर करते हो, तो हर तरह के सिग्नेचर्स अलग होते हैं, ये आप लोगों ने भी बना रखे होंगे जो आप कैजुअल करते हैं और एक जो बैंक में करते हैं। अमिताभ बच्चन ने तो बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बनाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बनाए हैं। जो ऑटोग्राफ सिग्नेचर बोलते हैं ना वो अलग होते हैं और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा इनिशियल्स के भी सिग्नेचर्स होते हैं, होते हैं जी। ग्रेट, तो चलिए इसके थोड़े से कुछ ट्रेड्स मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ कि किस तरह से सिग्नेचर्स थोड़ा सा ध्यान लगा के हम कर सकते हैं, बाकी डिटेलिंग हम उस पर बाद में करें। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो सिग्नेचर होता है इट शुड बी रीडेबल। फिर बहुत स्मूथली आपके हाथ से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने लिख दिया फिर अरे ये रह गया, ये लाइन लगाना रह गया, होता है ना बहुत लोग करते हैं जब बहुत कम प्रैक्टिस रहती है ना, जो कंटिन्यूस करते हैं उनका तो फ्लो हो जाता है, लेकिन जब जो लोग बहुत कम करते हैं वो सिग्नेचर करने के बाद फिर एक सेकंड दिमाग में आता है अरे अगर टी है नाम में तो वो टी के ऊपर जो होता है ना क्रॉस बार वो लगाना भूल गए, डॉट लगाना भूल गए, फिर वापस जाके करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी द ट्रेड्स। करा फ्री फ्लो होना चाहिए सिग्नेचर। आपका जो सिग्नेचर है आपके पर्सनालिटी से सूट होना बहुत जरूरी है, बना के या आप जिस तरह से आप उसको डिजाइन करेंगे कि भाई इसके लिए करना है तो ऐसे बना दिया, इट शुड सर्व योर पर्पस, और उसी से आपकी आइडेंटिटी बनती है, उसी से आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ भी होता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, आपका जो सिग्नेचर होता है हमेशा एक काम जरूर कीजिएगा, जैसे कहते हैं ना हम गार्ड बांध लेते हैं किसी चीज को, तो वो ये है कि आपका जो नाम का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखिएगा। सिग्नेचर का फर्स्ट रूल आप लोग नोट कर सकते हैं ये पॉइंट्स, फर्स्ट लेटर आपके नाम का जो है उसको आप कैपिटल लिखें। चलिए और बता दूं, नाम के बीच में आपके नेम और सरनेम के बीच में डॉट्स आर नॉट अलाउड, इट्स अ बिग नो। सिग्नेचर के नीचे कितनी लाइंस होनी चाहिए, अगर डॉट देनी है तो कैसे देनी है, आगे अगर डॉट देनी है तो कितनी देनी है, ये सब डिटेलिंग है। सिग्नेचर में नाम और सरनेम के बीच में कितना गैप होना चाहिए, अगर आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को आदत होती है या लगाते भी है, कुछ लोग फादर का नाम लगाते हैं, कुछ हस्बैंड्स का नाम लगाते हैं, है ना, तो उन नामों के बीच में भी कितना गैप होना चाहिए। इनिशियल्स अगर आप लिख रहे हैं तो वो इनिशियल्स किस तरह से लिखने हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप जानते हैं आपके सिग्नेचर में एक मनी बैग भी बन सकता है, कि आपका जो पैसा है ना वो टिके। इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है सबको, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारी लाइफ के,
कि पैसा हमारे पास टिके, सिग्नेचर कर रहे हैं बिजनेस में, क्लाइंट्स आने चाहिए, हमारा सिग्नेचर क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, और हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से अपने अंदर देखते हैं वो हमारा सिग्नेचर बता देता है। तो क्या आपके सिग्नेचर में ऐसे ट्रेट्स हैं जिससे आपके पास पैसा टिके और कंटिन्यूसली आता रहे, यू नो द फ्लो ऑफ मनी, इज इट कमिंग? नाइस। कुछ आहा मूवमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को, कुछ नई चीज पता चल रही है इसमें? एटलीस्ट थम्स अप कीजिए। लक्ष्मी जी आपने हाथ रेज किया है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग, प्लीज। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, हाय। मेरा ना लाइक प्रिया में जो नाम पीछे से आती है तो प्रिया का मैडम, एक सेकेंड मैं ना स्टॉप कर दूं शेयर करना स्क्रीन को, सो देन आई विल बी मोर इंटरेक्टिव विद यू। ओके थैंक यू। हाँ लक्ष्मी जी बताएं। हाँ प्रिया, लाइक नो नेक्स्ट सेकेंड नेम प्रिया आती है तो प्रिया में वाई तो नीचे चली जाती है, सो लाइक व्हेन वी ट्राई टू गो अप इन अ स्पेस इन अ टाइम, मगर ये वाई को यूज करने से नीचे ना ऐसे ही एकदम नीचे आ जाती है और उसके बाद स्ट्रेट ऐसे गिर जाता है नीचे। हाँ ऐसे गिर जाता है। हाँ तो दैट इज आल्सो रॉन्ग मैम। जी एक मिनट, आई जस्ट एक आपको बताती हूँ। हमारा व्हाइट बोर्ड कहाँ है? जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड सर, आई कांट फाइंड व्हाइट बोर्ड। अशु जी गो टू शेयर स्क्रीन, गो टू शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन के अंदर व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको। नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आई एम लाइक ओके। एक मिनट, एक सॉरी सर, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं चीजों को। आप ये कहना चाहते हैं प्रिया जी कि जब आप वाई लिखते हैं तो आप मेरे हाथ को देखिएगा ध्यान से, वाई ऐसे लिखा है और ये ऐसे एकदम स्ट्रेट नीचे आता है, राइट? हाँ ऐसे हाँ। नीचे आता अच्छा आता है। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना पैसा आता है वो सीधा खर्च हो जाता है, आप सेव कम कर पाते हो। जी करेक्ट है ना। हाँ right. जी है ना। और सेकेंडली आपके जो थॉट्स आते हैं आप उन पे स्टेबल भी नहीं रह पाते हो। जी दैट इज आल्सो करेक्ट। ये आपके वाई की वजह से है। ओके तो वाई को ही छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसको एक काम करें, आप अपने वाई को ना स्ट्रेट जब जाता है ना तो एक नीचे लूप बना के उसे वापस ऊपर जोड़ दीजिए और फिर आप देखिए चेंजेस आपकी लाइफ में। ओके मतलब मैम वाई को जो है पूरा मतलब बैक टाइप बनाना, मतलब नीचे से लेके पूरा ऊपर कनेक्ट कर दें। बट उसको आप उसको मनी बैक से कनेक्ट वो नहीं करना प्लीज। मैम आप ड्रॉ करके दिखाइए ना। हां मैं वही देख रही हूं स्क्रीन शेयर। मैं मेरे को वाई को लेके फिर से एक्सप्लेन करती हूं मैम। यू कैन दोबारा शेयर द स्क्रीन एंड यूज पेंट, देयर इज अ एप्लीकेशन इन एवरी पेंट। या देयर इज बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, इट्स ओके, आई विल जस्ट डू समथिंग। वेट मैम, दिस मीन द स्मॉल लेटर्स जिनका नीचे जाता है, मतलब जिनका नीचे भी आ रहा है तो उनका यूजुअली उनको ऊपर लेके जाना चाहिए। अच्छा आप लोग प्लीज अपने माउस चलाने बंद करेंगे स्क्रीन पे प्लीज, आप लोगों ने ना उनके सारे सिग्नेचर्स पे देख के क्या क्या कर दिया। चलिए मैं एक स्लाइड ली है ये, प्लीज आप लोग बंद करेंगे लिखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए हाँ
अभी देखिए, अभी आप ये कह रहे हो ये जो है ना ये y, ओके y ऐसा होना चाहिए, सॉरी मेरा वो गलत हो गया थोड़ा, द y शुड कम दिस वे, मतलब ये बहुत ज्यादा बैग नहीं आना चाहिए, शुड बी दिस वे, क्लियर है जी? ये थोड़ा मैं अगर बाइक खुला रह जाए, अगर मैं बाइक पूरा कंप्लीट बंद ना हो रहा हो, खुला हो, लट जाए, हम लोग आधा करके छोड़ दें, तो मैम ये प्रॉब्लम पैदा होती है, मैम ये ओवरथिंकिंग वाली, तो प्रॉब्लम हाँ, हाँ, बिल्कुल वो, और वो इसलिए होती है ओवरथिंकिंग, एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो थॉट्स है ना वो बाहर निकल रहे हैं, जितना खर्चा मतलब खर्चा भी ज्यादा होगा, ठीक है जी? तो ये चीजें कुछ है, वाई है, अच्छा और कौन कौन से हैं, ये जो अपने मैम जी बहुत लोगों के नाम एक कैसे बनाए, एक के बारे में बताइए, एफ भी होता है मैम, एफ एफ होता है बट उसका थोड़ा सा अलग ट्रेट्स है, बिकॉज क्या होता है कि आपकी आवाज कटी, जो भी बोलना चाह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, सर आप प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे जिन्होंने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है जिन्होंने, दे कैन डू सेल्फ अनम्यूट, ओके आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट टू प्लीज स्विच ऑन वीडियोस व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, तो आप अपना नाम पहले बताएं और फिर प्लीज क्वेश्चन पूछें, थैंक यू फॉर दिस। हाँ प्रदीप कुमार जी बोलिए। मैडम मेरा जो साइन है वो नीचे से ऊपर जाता है। हाँ नीचे से ऊपर जाता है, 40 डिग्री या 45 डिग्री तक जाता है, 30-35 डिग्री, 45 तक जाता है, 45 तक जाता है, जैसे ये हमारे तेंदुलकर साहब है और अमिताभ बच्चन की जो लाइन जा रही है ऊपर इस तरह से, हाँ तो इट्स गुड, ऐसे ही जाना चाहिए, ग्रोथ देखिए ऊपर 45 डिग्री तक जाता है तो इट मींस कि वो ग्रोथ शो कर रहा है, स्टार्टिंग कैपिटल बड़ा है, सिर्फ प्रदीप लिखता हूँ, पूरा शर्मा नहीं डालता हूँ। देखिए अभी तो मैं इसको एनालाइज नहीं कर सकती क्योंकि सामने नहीं है, है ना, सिर्फ फर्स्ट टू लेटर्स से भी थोड़ा पता चल जाता है, लाइन से पता चल जाता है, डायरेक्शन से पता चल जाता है, बट बहुत सारी माइन्यूट चीजें और भी होती है सिग्नेचर में जो बहुत फर्क पड़ता है, जिससे है ना हाँ जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन, ओके तो सिग्नेचर्स पे जितना अभी तक हुआ है वो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ है, समझ आया है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोट करने के लिए, तो आप लोगों ने होप सो नोट कर लिए हो। विपिन जी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, या हेलो, या काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट या प्लीज, थैंक यू, या हेलो, या बोले मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आपका सेशन, Okay. तो थोड़ा सा जो सिग्नेचर मेरा है अगर मैं आपको ड्रो करके दिखाऊं, शुड आई ड्रॉ इट? सर देखिए यहाँ पर ना मैं उस टाइप से सिग्नेचर्स नहीं कर रही हूँ, आई वांट यू टू एनालाइज योर ओन सिग्नेचर्स, ओके, क्योंकि बनाया आपने है, आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो, आप किस बिजनेस में हो क्या, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी अकेडमी का एक रूल है कि हम चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को सेल्फ डेवलप कीजिए, ओके ओके, तो हम यहाँ कुछ आपको ट्रेड्स बता रहे हैं, आप इसको एनालाइज कीजिए आपके सिग्नेचर्स में है या नहीं है, और अगर आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ी सी चेंजेस आके हमारी काफी चीजें लाइफ की पॉजिटिव हो जाएंगी, तो प्लीज आप उसको समझिए, सीखिए और अपने सिग्नेचर्स अपने आप करें। और इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताती हूँ, जब आप लोग अपने बच्चों के सिग्नेचर्स बनाते हैं या वो जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो एटलीस्ट आप लोग उनको गाइड कर पाए, राइट? आज हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आप मुझे बताइए कितने लोगों को ऐसा लगा है
कि यार ये तो हम पहले कर लेते तो अच्छा होता, आज हमें सिग्नेचर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो अगर बच्चों को बचपन से ही सही तरीके सिखा दिए जाए कुछ, तो आप सोचिए उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। वेरी राइट, वेरी वेरी गुड, राइट। सो वी वांट कि आप खुद सीखें, छोटी चीज है बट बहुत इफेक्टिव। तो अभी क्या मैं बताएंगे इसके बारे में कुछ कि क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? देखिए हमने बताए थे अभी कि 45 डिग्री होना चाहिए, डॉट का नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लाइक अमिताभ बच्चन में दो लेटर्स बड़े हैं, बट उसमें भी डिफरेंस है, ए कंपैरेटिवली बी से छोटा है, बिकॉज वो अपनी फैमिली को अपने से मतलब ऊपर रखते हैं। ओके, उनके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखो वो हमेशा कभी भी कहीं जाएंगे, इवन किसी भी उसमें उनका लेक्चर भी होगा, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अपने बाबूजी को याद करना नहीं भूलते, ये बात तो सबको पता है। और कहीं ना कहीं उनकी जो कविताएं हैं उसके कुछ अंश जरूर सुनाते हैं। दीज आर द सम ट्रेट्स। तो आप किस तरह से करते हो, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये सारे ट्रेट्स आपके साइन में होते हैं, अनोइंगली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठी होती है चीज। ओके, इट इज दैट। ओके, मैम एक और बार बताएं। हाँ जी बोले, कौन बोल रहे हैं? अनिल बोल रहा हूँ मैडम, मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो मैं वीडियो ऑन कर लेता। एक बात बताएं कि जैसे कुछ लोग फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम का एक अक्षर लिख के उसके बाद सिर्फ सरनेम लिखते हैं, तो उसमें क्या रहता है? ये किसने बोला? The guy who cleans your car, if you... सर आप क्लास में कुछ शेयर कर रहे हैं या अपना कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन है आपका? अपना ही कुछ बात कर रहे हैं, अपनी कुछ बात। तो प्लीज काइंडली म्यूट। आचार्य जी प्लीज थोड़ा देख लेंगे। मैम ये कह रहा था कि अगर उसके ट्रेड्स होते हैं, चलिए आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि जो वो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं और सरनेम पूरा लिखते हैं, वो अपने सरनेम को अपने से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने डीएनए को, है डीएनए चेन को। बिल्कुल। मैम अगर मैं शिल्पा हूँ, मैम। हाँ जी शिल्पा जी पूछिए। मैम अगर ओनली आप अपना फर्स्ट नेम एज अ सिग्नेचर यूज करते, यू आर नॉट यूजिंग योर सरनेम, so what it signifies that you giving importance to only one's own self? Bilkul. Okay. So it's good or is just a matter of a style? ये सीखने वाली बात है। Okay, ma'am. Right? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है, कहाँ वो इफेक्ट करेंगी आपको जाकर, और कहाँ आपको करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, right ma'am, thank you ma'am, Anna, I hope it clear hai ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, main sawal puch sakta hu? Namaste ma'am. Namaste ma'am. Namaste Meena ji, bataiye abhi ek question puchna, abhi naam aur initial ke beech mein bhi dots nahi rahna kya ma'am? Nahi, bilkul nahi. Sirf नाम लिखना और इनिशियल कंटिन्यूअसली इनिशियल भी लिखना, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, क्यों लिखना है, कैसे लिखना चाहिए आपको, अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए, तो किस तरह से आपको अपने सिग्नेचर करने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, है ना। लेकिन डॉट्स तो नहीं रखना, डॉट बीच में नहीं होना चाहिए। डॉट और अंडरलाइन कंपल्सरी है मैम? कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं बहुत जरूरी भी होती है, दोनों भी। ओके, सिंगल अंडरलाइन या कोई डबल भी मारता है? डबल भी होता है, वेवी भी होती है, बहुत सारे ट्रेड्स है इसके। ओके मैम, थैंक यू, नाइस सेशन। थैंक यू, थैंक यू। अभी है कंटिन्यूएशन में, अभी तो बिजनेस कार्ड भी है इसके बाद, जिन लोग को बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है अभी कंटिन्यूएशन में। हाँ प्रदीप कुमार जी आप पूछे फटाफट, जिनका हो गया प्लीज हैंड डाउन कर ले ताकि हम थोड़ा रिलेट कर पाए कि किसका बचा है अभी।
थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम. यस मैम, ये आप मनी बैग जो बोल रहे थे वैसा कोई आप सिग्नेचर का पैटर्न दिखा सकते हैं एग्जैक्टली कैसा होता है या क्या होता है या फिर वो क्यों होता है, उसके बेनिफिट क्या होता है या वो किसे करने चाहिए किसे नहीं करने चाहिए? हाँ जी, देखिए अभी जरूरी तो नहीं है ना कि सबके नाम के अंदर वाई जे जी आए, ये तो कंपलसरी नहीं है जी, है ना. तो कुछ और भी चीजें हैं जो आप वो करने से आपका जो मनी है उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं. अभी right? मेरा नाम तो मैम वो अल्फाबेट नहीं आता बिकॉज माय नेम इज अश्विनी. सो हाउ इट विल वर्क और हाउ आई कैन टेक द बेनिफिट टू इंक्रीज मनी फ्लो इन माय लाइफ? अच्छा, अभी आप देखो मेरा जो नाम है वो अंशु है. okay. उसमें आ रहा है कहीं पर भी नहीं, बट हमने कुछ तो किया होगा. जी हाँ, तो मुझे जानना चाहते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू अप्लाई. हाँ, तो मैडम वो आप सब सीखिए ना आके. okay. अभी यहाँ मैं सब कुछ नहीं बता सकती. सबके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कर मतलब आपके लिए कितना जरूरी है और कहाँ जरूरी है उसको एनालाइज करके फिर बताया जाता है, तभी सिखाया जाता है ना. वो ट्रेड्स आप खुद अपने आप पता कर पाए. हाँ जी, और पूछिए. पहले नाम बताएंगे प्लीज. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, किसी के दोनों नेम्स के इनिशियल्स होते हैं ना, जैसे वो खाली इनिशियल्स और उसको अंडरलाइन करके और डॉट करके और ऐसा कुछ होता है तो भी दैट इज ओके, इनिशियल्स पे ही. वो लोग ऐसे उसमें करते हैं जब उनका नाम बहुत बड़ा होता है ना, तो वो इतना नाम, अभी जनरली जो साउथ इंडियंस होते हैं उनके तो नाम बहुत बड़े होते हैं तो वो लोग जनरली इनिशियल्स यूज करते हैं. तो उसका नहीं, माय माय सन आल्सो डज दैट, ही हैज स्टार्टेड यूजिंग हिज इन, सो ही इज, हिज नेम इज अरुण्या, इट इज लाइक डबल ए, तो उसको लगता है कि शायद कोई मिस स्पेल करेगा या ए की ए से काम चला देगा, तो ही हैज स्टार्टेड साइनिंग both the initials like of his name usse and surname. उससे उसको कुछ effects आ रहे हैं negative positive? मैम अभी तो छोटा है ना, अभी तो साइन इतना ज्यादा जरूरी नहीं हुआ है, पर अब इसलिए आपसे कुछ कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, आपसे कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपने आप ही एनालाइज कर पाएंगे, बहुत इजी है. ओके, अदरवाइज मैं उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से करवा लूंगी आपसे. वो क्योंकि अभी चालू करेगा तो हिज जर्नी हैज स्टार्टेड रीसेंटली, तो उसके बेटर है ना, बेनिफिशियल हो जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू नमिता जी. थैंक यू मैम. आशीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम. मैडम, कई लोग दो लैंग्वेजेस यूज करते हैं अपने सिग्नेचर्स में. जैसे करते हैं, आई हैव सीन वन अनिल, अ हिंदी में फिर एन आई एल. जी बिल्कुल करते हैं, उसके बारे में पूछना चाहता था. देखिए उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है, अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं या इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं, चाहे तमिल में करते हैं या किसी और लैंग्वेज में करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, इवन उर्दू में भी अगर करते हैं, तो ट्रेड्स वही रहेंगे, वो फिक्स है. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये जो दो लैंग्वेजेस में करते हैं. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ओ, हिंदी में एन आई एल. हाँ जी जी, करते हैं लोग, करते हैं. उसके ऊपर कुछ और डिफरेंट चीजें हैं जो देखी जाती हैं कि वो उसको कितना इफेक्ट कर रहा है. okay. वहां पर थोड़ा सा हम ग्राफोलॉजी पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट के अंदर थोड़ा सा ग्राफोलॉजी ऐड हो जाए. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी सुरभि जी, वीडियो ऑन कर जो करेगा प्लीज, वो ही हम उसका क्वेश्चन लेंगे. अंकुर जी आप पूछे. जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मतलब अगर सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन किया है तो उसके नीचे भी डॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि जितने डॉट्स होते उतना लक फैक्टर बढ़ता है. बढ़ता है? हाँ, मुझे ऐसी जानकारी दी गई थी, तो मैं चार डॉट्स लगाता हूँ अभी. उससे क्या फर्क आया आपकी लाइफ पे, लक बड़ा? अच्छा, तो उसने नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो हटा दीजिए सिंपल. ओके मैम, और इनिशियल के बीच में भी नहीं चाहिए. अजी, मेरा सरनेम बड़ा है तो इनिशियल्स के बीच में भी डॉट्स नहीं होने चाहिए. इट्स अ बिग नो. मैं वो तो मैं आप लोगों को सबको ही बोल रही हूँ, इनिशियल्स के बाद जो हम सिग्नेचर वो डॉट्स लगाते हैं ना, जैसे किसी का ए के है तो ए डॉट के लगा देगा,
जी मेरा ए डॉट बी डॉट होनकर से है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं डॉट लगाता हूं डॉट हटा दो टोटली हटा दो नीचे भी नहीं चाहिए अंडरलाइन के नीचे भी नहीं चाहिए अंडरलाइन के नीचे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना राहुल कौशल जी का वीडियो देखा होगा वर्ल्ड मास्टर राहुल कौशल जी ने भी इसको बताया था ना डॉट्स के ऊपर उन्होंने कहा था एक डॉट दो डॉट लगाने से कंटिन्यूस वो दिखा सक्सेस दिखा था उन्होंने बस वीडियो बनाई थी डॉट के ऊपर हालांकि मना कर डॉट राहुल कौशल जी वर्ल्ड मास्टर उन्होंने एक बार वीडियो डाली यूट्यूब पे तो उन्होंने डॉट के ऊपर बताया था हालांकि मैम डॉट के लिए कहा मना कराया था क्योंकि वो बताते ब्रेक बताते कि ग्रोथ इन ब्रेक लगाना होता है ग्रोथ में ब्रेक के लिए मना करते हैं और भी है ट्रेड्स उसके बट उन्होंने बताया था कि डबल डॉट लगाने चाहिए डबल डॉट के ऊपर तो अभी जो अंकुर जी ने क्वेश्चन किया था वो ये था कि उन्होंने वो चार डॉट लगाने लगे तो अब उनको तो उसका आंसर देना पड़ेगा ना कितने डॉट लगाए अब कितने लगाने हैं उनकी कितने की जरूरत है वो भी इम्पोर्टेंट है देखना जी जी है ना जी मैम ठीक है तो आई होप सो श्योर एस एम बी आपका फुल नेम तो हम नहीं जानते आपको चाहिए तो आप अनम्यूट करके अपना नाम तो बता दें एटलीस्ट अच्छा ज्योति सिंह जी और सुरभि जी आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं जरूर पूछ लूंगी ठीक है नहीं तो मैं आप फिर आगे बढ़ना चाहूंगी हाँ ज्योति जी बोले एक्चुअली मैम आई एम हर हस्बैंड एक्चुअली मैम एक्चुअली मैडम मैं जो साइन करता हूँ माय नेम इज गंगा शरण और मैं एस बड़ा सा कैपिटल बना के देन आई इंसर्ट जी ए एन जी ए इन दैट एस एंड ए जो लास्ट में रहता है किसी ने एक्चुअली मुझे सजेस्ट किया था कि गंगा पहले मैडम मैं गंगा के नीचे अंडरलाइन करता था तो उससे नीचे कट जाता था जी भी कट जाता तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया तो मैंने काटना छोड़ दिया सिर्फ लास्ट में ए के नीचे अंडरलाइन कर Actually, I am working with, yeah, ma'am, I am in a government sector और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा progress हो और then अगर मैं business में enter करता हूँ तो उसके साथ ठीक है अच्छा चलिए आपको इस पे एक चीज और बता देती हूँ कभी भी आपको अपना नाम नहीं काटना है ठीक है sure, क्यों नहीं काटना है वो मैं अब आपको ट्रेड्स बहुत डिटेलिंग में समझाऊंगी बहुत अच्छी है और बहुत ईजी yeah, चीजें हैं ठीक है ओके अपना नाम नहीं काटना कभी बट एक्ट के अंदर से मैं लिखता हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है बिल्कुल होता है बिकॉज एक बड़ा कैपिटल एस होता है उसके अंदर से जी जाता है एंड देन मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं या मैम हाँ तो बिल्कुल इफेक्ट होता है उसका आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है आपकी इंडिविजुअलिटीज पे इफेक्ट होता है बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उस पर इफेक्ट होगा आपकी सर्विस पे है अगर तो उस पे भी इफेक्ट होगा उसका बिल्कुल होगा अंशु जी व्हाट विल बी द सजेशन अंशु जी आई जस्ट ऐड हियर अ फ्यू थिंग्स लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज आस्किंग फॉर द कोर्स कंटेंट सो आई एम पुटिंग सम स्क्रीन ऑन द स्क्रीन सम स्लाइड्स सो प्लीज आप इस कंटेंट को एक बार एक्सप्लेन करेंगे सबके बेनिफिट्स के लिए जी बिल्कुल सर ये हां पूरा कर देते हैं इसको क्योंकि हम दो टॉपिक ले रहे हैं आज एक है सिग्नेचर और एक है आपका बिजनेस कार्ड जो विजिटिंग कार्ड आप बनवाते हैं ना उसके ऊपर है तो पहले हम सिग्नेचर देखते हैं कि क्यों सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है सही तरीका क्या है व्हाट इज द राइट वे टू डू सिग्नेचर डज योर सिग्नेचर हैज अ मनी बैग इट इज नॉट द बैग एक्चुअली इट इज कि मनी की जो आवक होती है ना जिसको हम फ्लो कहते हैं फ्लो ऑफ मनी है या नहीं है देन इसमें आपको कोर्स में आपको बताया जाएगा कि लर्न द राइट वे टू अट्रैक्ट अबंडेंस अबंडेंस सिर्फ मनी से नहीं आती है अबंडेंस आपकी हेल्थ में भी होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में भी होनी चाहिए आपका जो सोशल सर्कल है उसमें भी होनी चाहिए राइट और फाइनेंसिस में तो सबको ही जरूरी है तो ये चार पांच जो पिलर्स होते हैं ना हमारी लाइफ के और इन सब चीजों में अबंडेंस के लिए सही तरीका क्या है सिग्नेचर्स करने का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है केस स्टडीज है फेमस पर्सनैलिटीज की जैसे जो आज हमने चार करी है तो जो हमने जैसे चार फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर जो हमने बात करी है इनका छोटा छोटा मैंने आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स ही बताए हैं बट इनके और भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं इसके अलावा भी ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज है अभी अगर हम अंबानी जी की बात करें तो उनके ऑब्वियसली अलग साइन होगा राइट तो सबको एकदम से उनका पैसा दिख रहा होगा सबको अभी इस वक्त तो आई कैन इमेजिन
अंबानी मुकेश अंबानी को सोचते ही सबको सिर्फ पैसा दिख रहा होगा कि भाई उनके साइन ऐसे क्या है जो उनको कंटिन्यूस इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बिजनेस विजिटिंग कार्ड, जो आपका विजिटिंग कार्ड होता है, जो आप अपने बिजनेस को किसी को बताते हो कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो क्या सच में आपका जो बिजनेस कार्ड है वो आपके बिजनेस के बारे में बता रहा है? क्या उस इंसान को वो चीज क्लियर है कि हाँ भाई ये इंसान ये बिजनेस कर रहा है? Does your card tells about your business just by looking at it? क्या आपका जो बिजनेस कार्ड है वो आपके और क्लाइंट्स ला रहा है आपको? क्या वो उस तरह से डिजाइंड है? तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, किस तरह से प्लेसमेंट्स होनी चाहिए आपके बिजनेस कार्ड की जो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को सबको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे एकेडमी का रूल है कि हम चाहते हैं आप खुद अपना काम करें, सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो आप लोग अपने खुद सिग्नेचर्स एनालाइज करेंगे और अपने जो विजिटिंग कार्ड्स है, जो बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स हैं, वो भी खुद एनालाइज करके उनको ठीक करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, वाइल्ड शेयरिंग दिस कि आप अपने आप करेंगे, इट आल्सो मींस दैट कि ड्यूरिंग दी जर्नी आपके अपने विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड्स को क्रेशन करने के लिए भी हम हेल्प करेंगे, ताकि आप उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप बना सकें, आप उस पर काम कर सकें, समझ सकें। और आपके जब आप कोर्स की जर्नी कंप्लीट करेंगे तो उस समय तक आपके अपने बिजनेस कार्ड और आपके अपने सिग्नेचर परफेक्ट हो, ताकि आप उसके आगे ग्रोथ कर सकें। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात, दूसरी बात जब आप अपने पे समझ लेते हैं तो दूसरे को समझा पाना आसान होता है, क्योंकि आप अपनी गलती से दूसरे की गलती को रेक्टिफाई करने में सक्षम हो पाते हैं। तो हमारी अपनी गलतियों से करेक्शंस करके हम दूसरों की गलतियों की करेक्शंस को कर पाने में समर्थ हो जाते हैं, एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा जो अंशु जी ने टिप्स शेयर करी है, जो केस स्टडी शेयर करी है, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज पे हम काम करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। सो इट्स ए वंडरफुल जर्नी फॉर 6-8 days, 8 days की सिग्नेचर एंड विजिटिंग कार्ड, सिग्नेचर एनालिसिस एंड विजिटिंग कार्ड की, इट विल बी अ वेरी वंडरफुल जर्नी। इस जर्नी के अंदर इस जो कोर्स कंटेंट आपके सामने है, इस कोर्स कंटेंट के अलावा हम ये क्लास हमारी आएगी सैटरडे, दिस इज अ फाइव डे जर्नी, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूजडे एंड सैटरडे अगेन, सैटरडे 5th एंड देन 6th, ठीक है, राइट? तो मंडे ट्यूजडे एंड देन सैटरडे अगेन। व्हाई वी गिवन दिस गैप, क्योंकि इसके बीच के अंदर आपको एक टाइम मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, उस प्रैक्टिस को, सारे प्रैक्टिस को डाउट सेशन क्लियरेंस में हम अगले सैटरडे को भेज सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम एक क्लास आगे भी उस टाइम पे पढ़ा सकते हैं। तो आपको टाइम बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर कोर्सेज में क्या होता है कि अभी कोर्स किया आपने, अभी कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4-5 दिन में कोर्स किया, उसके बाद कोर्स खत्म, नाउ यू हैव डाउट, नाउ यू रन अराउंड की डाउट मेरे कैसे क्लियर होंगे, किसको बात करें, ग्रुप पे आंसर डाला नहीं हुआ, सो इट्स गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ थिंग कि हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते उस टाइम पे। इसलिए हमने यहाँ पे गैप दिया 2-3 दिन का, ताकि आप लोगों को समय मिल जाए उसको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके बाद वापस संडे को जब क्लास होगी तो उसमें आप अपनी डाउट्स और सेशन को आगे बढ़ा सके, जरूरत पड़ेगी तो एक सेशन आगे भी कर सकते हैं। इट विल स्टार्ट 9:30 इन द नाइट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे की क्लास आएगी पर क्लास, और 5 दिन का ये जूम लाइव सेशन पे कोर्स आएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा साथ में, डिजिटल सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, स्टडी नोट्स, सब ये समरी ऑफ नोट्स आपको मिलेंगे साथ में। और इसकी फीस मात्र 1455 इसकी फीस है, विच कैन बी पेड ऑन दिस जूम, दिस नंबर, दिस मोबाइल नंबर एंड दी बैंक डिटेल्स शेयर्ड देयर, इसके ऊपर ये पेमेंट की जा सकती है। अब कल से ये कोर्स क्लोज कोर्स होगा, जो लोगों की एनरोलमेंट हो जाएगी वो लोग इस कोर्स पे ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप मतलब अब बिलीव मी, दिस कोर्स इन द मार्केट विच वी आर गोइंग टू डिलीवर यू, इट इज वेरी वेरी हाई कॉस्ट, नॉट इवन लेस देन 11,000 और इवन 21,000, इससे नीचे ये कोर्स नहीं आता। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आपके साथ कनेक्ट करें और आप लोग सीखें, समझे, तो दैट्स द वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया अबाउट द कोर्स एंड द मिशन ऑफ द एकेडमी आल्सो। सो इस कोर्स के अंदर इसकी जर्नी 1455 रुपीज की जर्नी है, प्लस 5 डेज का कोर्स आएगा, 9:30 आवर्स नाइट में शुरू होकर करीब 1.5-2 घंटे की क्लास आएगी,
सारे क्वेश्चंस को हैंडल किए जाएंगे। प्लस ये कोर्स कंटेंट आपने ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू इट। कल से जो क्लास शुरू होगी इट विल बी ए क्लोज सेशन क्लासेस, सो यू आर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टार्ट एनरोलिंग नाउ इटसेल्फ, गेट एनरोल योरसेल्फ, ब्लॉक योर सीट फास्ट। सो नाउ ओवर टू अंशु जी। थैंक यू सर। अच्छा अभी जो लोग जो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हमारी अकेडमी से हैं, ऑलरेडी ज्वाइन है, इट्स गुड दे आर ज्वाइन, सो दे नीड नॉट टू बी ज्वाइन अगेन ऑन दी व्हाट्सएप लिंक। हम व्हाट्सएप लिंक शेयर कर रहे हैं चैट पे। दोज हु आर फर्स्ट टाइम ऑन दी प्लेटफॉर्म दे मे ज्वाइन दी व्हाट्सएप लिंक, जो चैट में आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया है उसको ज्वाइन करके आप हमारे अकेडमी का पार्ट बन सकते हैं, सो दैट यू विल गेट टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल ऑन योर व्हाट्सएप। सो ये लिंक वहां पे शेयर है, इस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑलरेडी ज्वाइन जो है उनको लिंक ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू अंशु जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो अब चलते हैं, हमारी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और जो ओके तो हम सिग्नेचर से अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लो हो गया, वो नाराज हो गया मेरा लैपटॉप से, बहुत देर से उसको यूज नहीं किया ना। चलिए कोई बात। ओके सो नाउ दिस इज द बिजनेस कार्ड्स। इसको भी मैं ना थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे, ठीक है। सुरभि जी आपका वीडियो ऑन करके अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर आप उसमें चैट में टाइप कर दीजिए अपना क्वेश्चन अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो। तो यहाँ सबको बिजनेस कार्ड्स का एक स्क्रीन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने तरीके के बिजनेस कार्ड्स हैं। क्या आपको लगता है ये सारे बिजनेस कार्ड्स जो है वो फ्रूटफुल है, वो जिस काम के लिए बने हैं वो उसको सही तरीके से अपने क्लाइंट तक पहुंचा पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं? सोचने वाली बात है, राइट। देखिए कुछ कार्ड्स होते हैं जो रेक्टेंगल होते हैं, कुछ होते हैं जो वर्टिकली डिजाइंड होते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये इस तरह का जो ये कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, लेकिन क्या ये जो इनका कार्ड है ये इनको बिजनेस दिला रहा है, इनको क्लाइंट दिला रहा है? ये एक राउंड शेप्ड है और एक तरफ राउंड है और बाकी तीन साइड्स कॉर्नर्स हैं, एक थोड़ा फ्लोरल है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे तो एम बनाया है उन्होंने, कार्ड की कटिंग ही एम पे करी हुई है। तो क्या ये आई कैचिंग कार्ड्स है? क्या आपको भी इस टाइप से कुछ डिजाइन करना चाहिए, कुछ इनोवेशंस करने चाहिए? क्या आप लोग सिर्फ सिंबल्स के थ्रू अपने कार्ड को या अपने बिजनेस को शो कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। कलर क्या है आपका, ये आप लोगों के सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं या स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं जितने भी कलर्स हैं आपके, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है वो तो? आचार्य जी थोड़ा बताएंगे क्या आपको कलर्स दिख रहे हैं इसमें? यस इट इज विजिबल, जो डिफरेंट कलर्स दिए बताएं, क्योंकि एक स्क्रीन पे मेरा फ्रीज हो गया है शायद, तो आई एम नॉट एबल। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड इज द लास्ट स्क्रीन। हां वही, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। एक को शायद जूम वो किया है मैंने, स्लाइड शो से इसलिए नहीं दिख रहा था। जस्ट अ सेकंड, नॉर्मल स्क्रीन पर
सॉरी आप लोग स्क्रीन नहीं देख पाए जी, कलर कलर स्क्रीन आ रही है अभी आ रही है। चलिए हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी, मैं जूम करती हूँ तो वो स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी आपका जो बिजनेस है वो आप लोग जानते हैं कि किस तरह का आपका बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो अब ये जो बिजनेस है आपका, क्या वो ट्रस्ट को बिलोंग करता है, क्या वो डिपेंडेबल है, किस टाइप का प्रोफेशन है, तो ब्लू कलर उसको रिप्रेजेंट करेगा। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है पीसफुलनेस, बैलेंस एंड ग्रोथ को। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडली, वेलकमिंग, चीयरफुल, कॉन्फिडेंस को। ब्लैक ऑल द टाइम अ क्लासिक कलर, राइट, एलिगेंट, पावरफुल, फियरफुल, फियरलेस होना चाहिए, या फियरफुल भी है। पर्पल कलर रॉयल्टी को डिनोट करता है, लग्जरी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। येलो कलर इज हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी। रेड कलर एक्साइटमेंट, यूथफुलनेस, बोल्ड, अर्जेंसी, फास्ट मूविंग। व्हाइट कलर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी, राइट। तो क्या आप लोग खुद एनालाइज करें, जो आपका विजिटिंग कार्ड है या बिजनेस कार्ड है, क्या वो आपके जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने कलर चूज किए हैं उनके? टाइम टू थिंक नाउ, सोचना है। और ये जो कलर्स होते हैं जब हम अपने बिजनेस कार्ड में उसको उसी तरह से यूज करते हैं तो वो सामने वाले के माइंड पर एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं और वो बिजनेस कार्ड देखते ही समझ जाता है कि ये इस फील्ड को बिलोंग करता है। तो क्या आपके कार्ड्स उस तरह से डिजाइंड हैं, और अगर है तो वो कितना परसेंट है उस कलर का आपके कार्ड में, ये भी सीखने वाली बात, राइट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा, ये तो हमारे कलर हो गया कि बैकग्राउंड कलर है या टेक्स्ट है, उसके ऊपर हो गई बात। हम एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड देखेंगे यहाँ पर, ये तो मेरे ख्याल से सभी को देखते ही सब पता चल जाता है। येलो कलर का बड़ा सा एम देखेंगे तो सबको पता है ये मैकडॉनल्ड्स है। अगर सिर्फ एक रेक्टेंगल कार्ड के ऊपर अगर एम लिखा हुआ होगा तो कोई भी बोल देगा, बच्चा भी बोल देगा कि ये मैकडॉनल्ड का कार्ड है। स्टारबक्स भी आप लोग पहचानते हैं, गूगल का आइकॉन भी पहचानते हैं, नाइकी पहचानते हैं, यूनिलीवर, सैमसंग, कोका कोला, ये जितने भी है ये बहुत फेमस ब्रांड्स है। तो क्या इन लोगों को विजिटिंग कार्ड्स की जरूरत पड़ती है? Anyone, कोई बताएगा? Do these people need visiting cards? Interesting, right? सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि इनका तो ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है कि इन्होंने बोला या इनको डिस्प्ले करने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे फेक लोगोज आ गए हैं, तो आपका जो लोगो है क्या वो इतना फेमस आपने करा है, या आपका नाम फेमस है, या आपका बिजनेस फेमस है कि उसको देखते ही इंसान बोल दे कि हाँ ये इस कंपनी का पे काम करता है, या इस कंपनी को बिलोंग करता है, या ये कंपनी इस इंसान की है, राइट। अग्री करते हैं तो थम्स अप दिखाइए। क्या आपको जानते हैं कि ये जो ब्रांड्स इन लोगों को लोगो बनाने में इतना टाइम लगा है, लोगों के दिमाग में इसको बिठाने में इतना टाइम लगा है? क्या कोई जानता है एप्पल का फर्स्ट लोगो क्या था? चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसे मैंने डाउनलोड तो नहीं किया है बट मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एप्पल का जो फर्स्ट लोगो था ना, आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि इसका जो एक एप्पल है वो इस तरह से बना हुआ है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लोगो है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देखकर कि
फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक एप्पल बना हुआ है, ठीक है, अब उसका जो एप्पल का लोगो है वो जानते हैं कैसा था? और अब अगर आप देखोगे जो एप्पल का लोगो है एक्चुअल में आज की डेट में वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इस टाइप का कुछ लोगो था इनका, ये जो ए है ए पी पी एल ई और यहाँ पर एक एप्पल बना हुआ था, और अब जो है लोगो अगर आप यहाँ देखोगे एप्पल बना हुआ है लेकिन ये जो एप्पल का ए था वो उन्होंने हटा दिया, ए पी पी एल ई नाम जो था वो हटा दिया, सिर्फ एप्पल का एक लोगो बना के रख दिया, लेकिन लोग आज भी इससे रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है आपके विजिटिंग कार्ड के थ्रू। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, कुछ कुछ न्यू नॉलेजेस आपको मिल रही है इस पे। कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? ग्रेट अंकुर जी, थैंक यू। जो शेयरिंग करना चाहते हैं पार्टिसिपेंट कैन डू अनम्यूट देमसेल्फ, इट्स अ सेल्फ अनम्यूट। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, तृषा जैन जी का प्रश्न है, तृषा जैन जी का प्रश्न लेते हैं अभी यहाँ पे हम। हाँ जी सर, तृषा जैन जी का प्रश्न उन्होंने हैंड डाउन किया। एस सुरभि जी आपका प्रश्न, आप अपना कृपया कैमरे को ऑन करके बात करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास while talking and while taking the question, please switch on your camera. Surbhi ji, आपका प्रश्न बताएं। Surbhi ji, she is not there. Anyone have any doubt, any clarity इस पूरी जर्नी के विषय में या कोर्स के विषय में या कोर्स कंटेंट के विषय में या जो कार्यक्रम जो ये प्रोग्राम रहेगा इसके विषय में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को क्लैरिटी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन yes. किसी प्रकार का दिमाग में, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। और कोई भी फीडबैक कोई शेयर करना चाहता है, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर देयर फीडबैक। जिन्होंने अंशु जी के साथ अभी लामा फिरा की जर्नी कंप्लीट करी या एनएलपी की जर्नी वो कर रही हैं, वो दोज हु कैन शेयर देयर फीडबैक दे आर वेलकम। जी सर, सिग्नेचर हम क्या क्या कवर करेंगे सर, एक बार फिर से बता देंगे सर, सिग्नेचर हम क्या क्या कवर करेंगे सर? आयुत जी क्या बोले आप सिग्नेचर के बारे में पूछ रहे सर, वो कि सिग्नेचर में आप लोग क्या क्या कवर करेंगे? ओके, मैं स्क्रीन पे दोबारा लगा देता हूँ स्लाइड ये वाली, गिव मी अ मिनट प्लीज। स्लाइड दोबारा मैंने लगाई है। अंशु जी कैन यू प्लीज रीड दैट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। व्हाई सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द राइट वे टू डू सिग्नेचर, डज योर सिग्नेचर हैज मनी बैग, लर्न द राइट वे टू अट्रैक्ट अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, आपका सोशल स्टेटस, वो सब आता है इसके अंदर, और केस स्टडीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। विजिटिंग कार्ड में बिजनेस विजिटिंग कार्ड आपके पास है, इफ यू हैव, देन डज योर विजिटिंग कार्ड टेल्स अबाउट योर बिजनेस जस्ट बाय लुकिंग एट इट। कि आप बिजनेस कार्ड को देख के समझ जाते हो कि हाँ ये जो है जो बिजनेस कार्ड दे रहा है मुझे, ये इस बिजनेस क्या बताना चाह रहा है उस बिजनेस के बारे में, और क्या जो बिजनेस कार्ड आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है वो कहीं ऐसे ही फेंक के चला जा रहा है या कुछ है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है क्या वो आपके साथ मैच कर रही है, क्या वो आपको क्लाइंट्स दे पा रहा है। एंड लर्न हाउ टू what is the right way to design your business card as per your business, aur aap apna khud ka analyze karna seekh jayenge is workshop ke baad, you can analyze your card as well as aap dusron ko bhi guide karna shuru kar paye. That's it sir, thank you, thank you Bharat ji, aapka question, thank you sir, thank you ma'am, thank you Aditya ji. Bharat ji aapka question puchhe, namaste, I want to know, ये क्वेश्चन ये है कि
आप लोग सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस का सेपरेट कोर्स कर सकते हैं ना, वो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा और नेसेसरी होगा। बस धन्यवाद। सिग्नेचर एनालिसिस और विजिटिंग कार्ड हम दो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं सर इसके अंदर, वी कवरिंग टू सब्जेक्ट। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? सिग्नेचर एनालिसिस का इन डेप्थ कोर्स किया तो और भी इंटरेस्टिंग होगा और जरूरत होगा। वो भी हम करेंगे, पहले एक बार ये अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए कि सिग्नेचर बेसिक्स तो क्लियरिटी आए, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द लेवल ऑफ एडवांस एंड द नीटिग्रिटीज, डीप नीटिग्रिटीज ऑफ द सिग्नेचर। सो वी स्टार्ट, लेट्स वर्क विद द सिग्नेचर अंडरस्टैंडिंग एंड द विजिटिंग कार्ड फर्स्ट, एंड इसके अंदर लोगों की एक जिस्ट भी मिलेगी आपको, एक वी विल कवर द जिस्ट ऑफ द लोगो। लोगो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिटेलिंग के अंदर जाएंगे तो अपने आप में सब्जेक्ट काफी लंबे समय लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी विद सिग्नेचर विजिटिंग कार्ड एंड द जिस्ट ऑफ लोगो दैट वी विल कवर इनटू द जर्नी। सुरभि जी आपका प्रश्न? सर उनका नहीं है कुछ क्वेश्चन। ओके, हैंड डाउन कर देते हैं इनका। आशीष जी आपका प्रश्न? सर ये जो 5 सेशंस के अंदर ये दो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल कवर हो जाएंगे सर, बट ये क्वेश्चन था मेरा बेसिक। बिल्कुल कवर हो जाएंगे सर। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग एल्स, और किसी के पास कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न। सर ये सर सिग्नेचर में सर ये एडवांस इसमें नहीं कवर होगा सर? सिग्नेचर का सर, सिग्नेचर में सर इसमें इंटरनल लेवल पे आप चले जाओगे कि आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रहती है लर्निंग की, फर्दर लर्निंग की सीमा नहीं है। यस, आप उसके आगे भी स्टडी कर सकते हैं, दैट इज एंडलेस मूवमेंट। अभी टू स्टार्ट विद वी विल कवर दैट मच ऑफ नॉलेज फॉर यू, ताकि आप अपनी क्वेश्चन करें, दूसरों की क्वेश्चन करें, दूसरों की सहायता करें, उसकी फर्दर लर्निंग यस करी जा सकती है। वो हमेशा हर चीज के सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, सफिशिएंट हमें इनफ नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज हमें, यस हां, जो मतलब जरूरत जितनी हमें है, जी बिल्कुल ये टास्क ठीक बोलिए आप, मतलब प्रोफेशनली हम कर सकते हैं, मतलब आके चाहे किसी की हेल्प करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी। अनीता मैडम आपका प्रश्न पूछें। अंशु जी इफ आई अंडरस्टैंड राइट, हम जब हमारा सिग्नेचर करते हैं इट इज रिफ्लेक्टिंग आवर नेचर और आवर सेल्फ। बिल्कुल, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, सिग्नेचर ऐसे करेंगे कि इट विल चेंज मी। यस, हो जाता है। सो यू विल फाइंड चेंजेस इन योरसेल्फ जब आप सिग्नेचर्स अपने रीड करना शुरू कर देंगे, उनको समझना शुरू कर देंगे और ये समझना शुरू कर देंगे कि अगर हम सिग्नेचर हमारे इस अभी जो कर रहे हैं उसकी जगह अगर दूसरी तरीके से करें तो आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ आएगा। क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे ना कि हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, क्या हमें बिजनेस वे में हमें आगे बढ़ना है। Any other question? Any other question? किसी का कोई question, किसी को clarity, किसी को चाहिए? Otherwise, हम कल से journey ये शुरू हो रही है, कल 9:30 से journey शुरू हो जाएगी। जो लोग enrollment नहीं किए, please get yourself enrolled today. The journey की पूरी fees सिर्फ 1455 है, is reducing from fancy fees of 11,000 to 21,000 से, that reduced to only 1455. And journey 5 दिन की journey रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे इसके अंदर। एंड द 5 दिन की जर्नी हमारी जो रहेगी ये डेट्स आर सैटरडे संडे, यानी कि कल 6 तारीख, मंडे ट्यूसडे 7-8 तारीख, आज की तारीख प्लस नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट संडे भी करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट। सो 5-6 दिन की जर्नी रहेगी और गैप इसलिए दिया है ताकि आप लोगों की स्टडी के ऊपर कंट्रोल आ सके, ग्रिप आ सके, आप प्रैक्टिस कर सके, इसलिए बीच में 2-3 दिन का हमने गैप दिया है। इसलिए जूम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, समरी ऑफ नोट्स मिलेगा, एंड दैट इज ऑलवेज बी विद यू, राइट? सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर सेशन दिस
सिग्नेचर ग्रीटिंग कार्ड जर्नी एंड ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया गया, जो लोग ग्रुप में नहीं है किसी भी वो लोग लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें। और जो ग्रुप में एक और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया गया, आप आचार्य पूनम जी से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसके लिए आप आचार्य पूनम जी से कनेक्ट कर सकते हैं जी। धन्यवाद। और अंशु जी आपका, आप आगे कंटिन्यू करें जो सेशन है, और नहीं तो फिर हम आज के लिए आप सबसे विदा लेंगे। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से सबको क्लैरिटी तो आ गई है कि हम आगे 5 क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, और अपनी लाइफ को एक नए आयाम पर लेकर जाना है, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिसपे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे ही एक कोशिश है हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए कि छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव कर एक अच्छी जिंदगी आप लोग जिए। तो उसके लिए आप, हम देख रहे हैं कि आप आगे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कल से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग रहे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट जर्नी with me for today. Thank you very much. Please share your feedback on your respective groups or to us. Thank you. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का अपना समय देने के लिए, इस जर्नी को पूरा करने के लिए। थैंक यू आप सब लोगों को। शुभरात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे। आचार्य जी अब्दुल जी हैं? नहीं, ओके, कल हम फिर मिलेंगे 9:30 बजे हम सब लोग, आप सबके साथ। धन्यवाद, नमस्कार सब लोग। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।